तो यार दोस्तों, हॉटस्टार और जियो सिनेमा के बीच बहुत ही तगड़ी करके फाइट चल रही है। यहाँ पर हुआ ये था, जब हम लोगों को पहले आईपीएल देखना होता था ना, तो आईपीएल देखने का सिर्फ एकमात्र ऑप्शन था हॉटस्टार, जो कि हम लोगों से पेड सब्सक्रिप्शन लेकर हमको आईपीएल दिखाता था। और यार 5 मिनट का आईपीएल जो था ना, वो हमको फ्री में दिखाता था, बट यार फुल आईपीएल ना हमको सब्सक्रिप्शन लेने के बाद यहाँ पर दिखाता था। तो यार बहुत से लोग ना पेड सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाते थे हॉटस्टार का, तो उनको आईपीएल देखने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। इस प्रॉब्लम को देखते हुए ना जियो सिनेमा ने अपने ऐप पर फ्री में आईपीएल दिखाने का फैसला किया, और यार जियो सिनेमा फ्री में आईपीएल भी सभी लोगों को दिखाने लगी, जिससे कि यार सभी लोग की प्रॉब्लम दूर हो गई। जो पेड सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाते थे हॉटस्टार का, वो लोग भी फ्री में आईपीएल को देखने लगे। ठीक है, तो अब जो है ना, हॉटस्टार के जो यूजर थे जो पेड सब्सक्रिप्शन लेकर आईपीएल देखते थे, या फिर और भी इंडिया के जो मैच आते थे ना, वो सब पेड पैसे लेकर आपको मैच दिखाते थे, पेड सब्सक्रिप्शन लेकर मैच देखते थे, वो सभी लोग अब जियो सिनेमा पर आ गए हैं, क्योंकि वो फ्री दिखाता है सारे आईपीएल के मैचेस, इंडिया के सारे मैचेस। हॉटस्टार के जब सारे यूजर चले गए जियो सिनेमा पर, ठीक है, तो अब ना हॉटस्टार ने क्या दिमाग लगाया ताकि उसके यूजर वापस आ जाए। तो जैसे कि जियो सिनेमा ने फ्री में दिखाने का फैसला किया था आईपीएल या फिर और भी मैचेस, इसी तरीके से अब ना एशिया कप जो आ रहे हैं, एशिया कप से ना हॉटस्टार ने भी ये बड़ा फैसला लिया है कि वो हॉटस्टार पर सारे मैचेस ना एशिया कप के फ्री में दिखाए। पहले यार हॉटस्टार हमसे पेड सब्सक्रिप्शन लेकर हमको मैच दिखाता था, बट अभी जियो सिनेमा की वजह से ना हॉटस्टार ने भी फ्री कर दिया, एशिया कप के सारे मैचेस ना हमको फ्री में दिखाएगा। आप लोगों को कौन सा ऐप सबसे अच्छा लगता है, जियो सिनेमा या फिर हॉटस्टार, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड यार दोस्तों, आप लोग किस ऐप पर एशिया कप देखोगे, वो भी आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना।